हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी यूट्यूबर। आज की वीडियो है फेस मसाज पर, किस तरह से आप रिंकल से झुर्रियों की समस्या को दूर कर सकते हैं और आप अपनी स्किन को यंग दिखा सकते हैं, खूबसूरत दिखा सकते हैं। और ये स्किन वाइटनिंग का भी बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा, आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, आपकी स्किन को वाइट बनाएगा और आपकी स्किन को एकदम चमकदार बना देगी ये मसाज। फ्रेंड्स, ये इतनी ज़्यादा अच्छी मसाज है, अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो झुर्रियों की समस्या बिल्कुल गायब हो जाएगी और आपका चेहरा खूबसूरत और जवान दिखाई देगा। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको मसाज करनी है और इस जो स्टेप मैं आपको बताऊंगी वो पूरी डिटेल में बताऊंगी। फ्रेंड्स, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ आ सके पूरे चेहरे की जो मसाज है वो स्टेप वाइज स्टेप समझाऊंगी और आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर ही आपकी स्किन से झुर्रियाँ गायब हो जाएगी, रिंकल फ्री आपकी स्किन हो जाएगी और आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छी चमक आ जाएगी। फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिससे जो मेरी वीडियो और नई आती है वो देख पाओ आप। फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी आपको लेना होगा ऑयल। फ्रेंड्स, तो आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ये बादाम तेल ले रही हूँ और अब हम इस बादाम तेल को ले लेंगे और इससे करेंगे अपने चेहरे की मसाज। और फुल स्टेप मैं आपको बताऊंगी, पूरे स्टेप आपको अलग अलग से समझाऊंगी, किस तरह से आपको नेक की मसाज करनी है, किस तरह से जो आपके ये चेहरे की ये जो चिन है वो बहुत ही ज़्यादा अगर सैग हो गई है तो उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। आपके चिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सैगी हो गए हैं, नीचे की तरफ लटक गए हैं, उसको किस तरह से आप टाइट कर सकते हो। आपकी आँखों के आसपास अगर झुर्रियाँ पड़ गई हैं उसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर माथे पर बहुत ज़्यादा लाइन्स हो गई हैं, जिनको यहाँ पर इस तरह से लाइंस हो जाती हैं, उनको आप किस तरह से ठीक कर सकते हो। यहाँ पर जो लाफ लाइन हमारी होती है वो अगर किसी की बहुत ज़्यादा इस तरह से हो गई है तो उसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हो। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और आपको मैं सारी चीज़ें एक एक करके समझाऊंगी कि हर एक चीज़ की एक अलग मसाज होती है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम ले लेंगे सबसे पहले ऑयल और आपको इस तरह से ऑयल अपने हाथ पर ही ले लेना है। हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे फ्रेंड्स और इसको अपने चेहरे पर आप इस तरह से लगा लीजिए। और आपको इस अपनी गर्दन पर भी इसको ऐसे आप सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से गर्म कर लीजिए ताकि उन्हें हीट पैदा हो और मसाज का हमें अच्छा इफेक्ट मिले और हमारी स्किन है वो ग्लोइंग हो जाए। फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा जो मसाज होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करनी चाहिए, यानी इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर ही हमेशा मसाज की जाती है, जिससे जो हमारे यहाँ पर लाइंस होती है वो नहीं होंगी और आपकी जो गर्दन है वो एकदम सीधी दिखाई देगी और उस पर किसी तरह का रिंकल नहीं होगा। तो आपकी जो यहाँ पर लाइन है उनको आप इस तरह से आपको मसाज करनी है। तो ये हमारा गर्दन के लिए स्टेप हो गया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी अगर यहाँ पर जो आपकी चिन एरिया होता है वो अगर किसी का बहुत ज़्यादा शेव हो जाता है यानी ढलक जाता है तो आपकी डबल चिन की जो समस्या होती है वो हो जाती है। उसके लिए जो आप मसाज होती है उसके लिए आपको इस दो उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से आपको ये मसाज करनी होगी। फ्रेंड्स, इस तरह से आप पांच बार यहां से और पांच बार ही आपको दूसरी तरफ से करना है। इस तरह से इस साइड से भी आपको पांच बार ही करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको लेकर जाना है। ये जो आपकी लाफ लाइन होती है वो किसी किसी की यहाँ पर ढलक जाती है और यहाँ पर जो आपकी अगर लाइन्स है वो इस तरह से सीधी रहनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पर इस तरह से नीचे और ढलक जाती है वो अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल सीधी आपकी होनी चाहिए यहाँ पर लाइन्स। तो उसके लिए मैं आपको मसाज बता रही हूँ, वो आपको इस तरह से करनी है।
इस तरह से आपको 5 बार करना है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताऊं इन दो उंगलियों की मदद से आपको यहां पर इस तरह से आपको 5 बार ही यहां पर मसाज करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी अगर आपके जो चीक्स हैं वो नीचे की तरफ आ गए हैं तो आपको हमेशा मसाज चीक्स की भी ऊपर की तरफ ही करनी है, ना कि नीचे की तरफ करनी है फ्रेंड्स। तो जिससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा और आपके जो चीक्स हैं वो लिफ्ट होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको हमेशा मसाज करनी है। और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह से मसाज करनी है। और यहां पर जो यहां की मसाज आपको इस तरह से करनी है, इस तरह से यहां पर भी मैं 5 बार कर रही हूं। अब मैं आपको बताऊंगी आपके आंखों के आसपास जो रिंकल की समस्या हो जाती है उसको आप किस तरह से मसाज करनी है। चेहरे की मसाज करते हैं तो फ्रेंड्स हमें नीचे से ऊपर की ओर करते हैं, लेकिन आंखों की जो मसाज होती है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। यानी आपको इन जो रिंग फिंगर हमारी होती है उनको उनसे आपको प्रेशर बनाना है। आपको इन दोनों अंगूठों को यहाँ रख लेना है फ्रेंड्स, और ये जो आपकी है रिंग फिंगर उनको आपको अपने आईब्रो के नीचे से लाए लेकर यहाँ पर लाकर आपको इस तरह से कर देना है प्रेशर फ्रेंड्स। इससे जो आपकी आंखों के आसपास रिंकल्स की समस्या है वो दूर हो जाएगी। आपको ज्यादा दबाव नहीं देना है, आपको हल्के हाथों से ही इसको करना है। इस उंगली का दबाव भी ज्यादा नहीं पड़ता है। मैं आपको बताऊंगी अगर आपके यहाँ पर इस तरह से फाइन लाइंस होती है, जो यहाँ पर हमारी आड़ी रेखाएं कईयों की हो जाती हैं, उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। जिससे जो माथे की फाइन लाइंस है वो ठीक होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कहीं बहुत सारे लोग होते हैं जिनके यहाँ पर एक खड़ी रेखा बन जाती है जो यहाँ पर अच्छी नहीं लगती है। जो भी वुमेन्स होती हैं वो अगर यहाँ पर बिंदी भी लगाती हैं तो उनकी बिंदी नहीं दिखती है, तो उनको किस तरह से मसाज करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको इस तरह से मसाज करनी है यहाँ पर, जिससे जो आपकी यहाँ पर लाइंस बनती है वो नहीं बनेगी। और आपको इस तरह से यहाँ पर आपको इस तरह से मसाज करनी है, जिससे जो आपका स्ट्रेस है वो भी कम होगा और आपके चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो भी आएगा और आपको बहुत ही रिलीफ भी मिलेगा इससे। तो ये मैंने पूरे चेहरे की आपको मसाज बताई है। आप इसको डेली नाइट में इस्तेमाल कीजिए, कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ही चमकदार और ग्लोइंग हो जाएगी और झुर्रियों की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह से प्यार भी बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।